तो मित्रों, आप लोगों ने भारत का नक्शा देखा होगा और भारत के नक्शे में जब आप जानते हैं कि ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण और इधर ईस्ट और वेस्ट होता है, जैसा कि आप लोगों को मैप में दिख रहा होगा। तो आप लोगों ने सोचा है कभी, हमारा वेस्ट बंगाल भारत के ईस्ट साइड में पड़ता है, लेकिन फिर भी उसको वेस्ट बंगाल क्यों कहते हैं? सोचा है कभी आपने? चलिए, ज्यादा मत सोचिए, आज के इस वीडियो में आप लोगों को यही बताने वाला हूं कि आखिर में भारत के ईस्ट साइड में होने के बावजूद भी उसको वेस्ट बंगाल क्यों कहा जाता है। तो मित्रों, हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, जहां मिलता है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज। तो मित्रों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आखिर में वेस्ट बंगाल को भारत की साइड में होने वाली वेस्ट बंगाल क्यों कहते हैं। तो जब हमारा भारत गुलाम था अंग्रेजों का, तो अपनी गुलामी से आजादी पाने के लिए हम लोगों ने बहुत मेहनत की, और जब भारत में आजादी मिली तो भारत को दो भागों में विभाजित किया गया। एक भाग पाकिस्तान हुआ, एक भाग हिंदुस्तान हुआ। तो पाकिस्तान को जब डिवाइड किया गया तो पाकिस्तान दो हिस्सों में था, एक था ईस्ट पाकिस्तान, एक था वेस्ट पाकिस्तान। तो जो हमारा दूसरा पाकिस्तान था, जो हमारे ईस्ट में था, उस पाकिस्तान में लड़ाई बांग्लादेश देश बनाने के लिए बहुत ही संघर्ष किया वहां पे लोगों ने, और तब उस ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया गया। तो जो हमारा वेस्ट बंगाल जो था, जो हमारे हिस्से में, भारत के हिस्से में आया था, वो ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेश है उसके वेस्ट में था, इसलिए उसको हम लोग वेस्ट बंगाल कहते हैं। तो होप आप लोग अब समझ चुके होंगे कि आखिर में हमारे ईस्ट की साइड होने के बाद भी वेस्ट बंगाल क्यों कहा जाता है। तो होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।